नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। मैं गोविंद गुप्ता, इस वक्त पूर्व नगर से सेवक भाजपा के राज वर्मा जी हैं। आइए जानते हैं नालासोपारा विधानसभा 132 में राजन नाईक उर्फ अप्पा खड़े हैं, जो कि बीजेपी ने उनको टिकट फाइनल किया है। तो आइए जानते हैं कि इनका राज वर्मा का क्या उद्देश्य है राजन नाईक के ऊपर। जय श्री राम। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ, आपका बहुत स्वागत है और आप इस विषय पे चर्चा कर रहे, बहुत खुशी की बात है। आज आपको एक चीज बताता हूं। आपने जब पूछा, जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक संदेश दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है, ना जाने कितने लोगों ने अपनी कितनी पीढ़ियां गुजार दी, जब हम यहाँ पहुंचे हैं कितने लोगों ने उसमें बलिदान किया होगा, जब भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंची है। वैसे ही मेरा जो जन्म हुआ वो आरएसएस में हुआ। मेरे पिताजी पहले से मथुरा के संयोजक थे। आज यहाँ पर तीसरी पीढ़ी, मेरे बेटे भी बीजेपी में है, उनकी बेटी आरएसएस में है। तो हम लोग पीढ़ियों से काम करने के बाद, और हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं दिव्यवत शिक्षित हूं, हमको जीवन में ये सिखाया गया त्याग और सेवा, और हमने अपने जीवन में त्याग और सेवा ही किया है। इस विरार के अंदर यहाँ पर हम आए थे जब रहने को 61 में दशहरा पर, उसके बाद यहाँ 62 से पिताजी ने शाखा लगाना चालू किया। उम्मीदवारी मिली है इनको 2014 में उम्मीदवारी मिली थी। और जब नरेंद्र मोदी जी की हवा थी उस हवा में चुनाव हार गए थे, और राजनीति में आके पेट्रोल पंप लेना और भारतीय जनता पार्टी से खुद का भला करना, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का भला नहीं किया, किसी कार्यकर्ता का भला नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नहीं किया, खुद बड़े बनते चले गए। इनके साथ में एक और है, उसका नाम है हरेंद्र पाटिल, वो इनका चमचा है, इनके बगल में बैठा रहता है, कुछ ना कुछ लिख के देता है। वही आदमी इनको भड़काता रहा, राजन नाईक इनके कान कमजोर है और हरेंद्र पाटिल के कहने पर गए 5 साल से हमारा अपमान करते रहे। करने का मतलब राज वर्मा जी, राजन नाईक तो वो भी जमीनी स्तर के नेता है, वो भी काफी टाइम से 30 से 35 साल से हो गए है ना, नालासोपारा से धरती पे काम कर रहे हैं, नालासोपारा वसई विरार में। बिल्कुल, क्या जो उच्च स्तरीय के नेता ने दिया तो इसपे कुछ ना सोची समझी साजिश होगी, तभी तो उनको टिकट दिया। भाई इनको टिकट दिया, देखिए जब आपको टिकट मिल चुका, हमने कहा ये हारने वाला घोड़ा है और नया उम्मीदवार अच्छा लाते हैं, जिससे कि वसई विकास मंडल को हम डाउन कर सकते हैं। हमने अपना उम्मीदवार चुना भी और हमने नाम भी दिया उनको, भरत राजपूत जी, जो धानु के नगर अध्यक्ष है, पालघर जिले के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और यहाँ उनका बहुत अच्छा वजन है, वर्चस्व है। उसके बावजूद भरत जी को टिकट ना देके भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट दिया। अब इनको टिकट दिया, अब इनको देखिए कि 19 में इनको टिकट के लिए मैंने आंदोलन किए, मैंने इनके लिए बहुत कुछ काम किया, लेकिन भाग्य में नहीं लिखा था, शिवसेना को सीट गई। अब धीरे धीरे जब लोकसभा के चुनाव आए तो इनके मन में क्या पाप आया कि मुझे किसी भी चुनाव में मीटिंग में आने नहीं दिया, मंच पर बैठने नहीं दिया और ना बोलने दिया, ऐसे करके मेरे साथ उनका गलत व्यवहार रहा। यानी राजन नाईक ने आपके साथ मिसबिहेव किया। हाँ जी, मेरा अपमान करते रहे। मैं एक भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष होने के नाते, और मेरे साथ ये अपमान किया गया। तो आपने बड़े लेवल के नेताओं से इस सिलसिले में बातचीत नहीं किया आपने इस बारे में? हर जगह ये बात पहुंचाई थी, जब लोगों ने नहीं सुना, और जब इनको मिल गया टिकट, अब वो टाइम निकल गया। अब तो राज वर्मा ने तय कर लिया है, राजन नाईक या तो तुम या हम, अब आचना नहीं होगी, रण होगा, और रण होगा तो भयंकर होगा। मैं भी अपक्ष एक उम्मीदवार खड़ा करता हूँ जिसने माँ का दूध पिया है, हम जीत के आएंगे, इसको हरा के रहेंगे। आपकी तरफ का जो अपक्ष का उम्मीदवार का चेहरा वो कौन है? चेहरा मैं अभी ला रहा हूँ, मेरा 2 दिन के अंदर फाइनल होगा, और चेहरा ऐसा खड़ा करूंगा अपक्ष में जो जीत के आएगा और भारतीय जनता पार्टी में उनको लेगा। कहीं जैसे 5 साल पहले बाहिंदर में हुआ था, मेहता जी को हरा के, वो मैडम आई थी, गीता बहन आई थी,
तो वैसा अब यहाँ होने वाला है, क्योंकि तो राजन नाइक जी ने हमने जीवन में त्याग किया है। हमारे यहाँ प्रचारक आते थे, माँ खाना बनाती थी, खिलाती थी। मेरे पिताजी माँ की चीजें गिरवी रखते थे और कार्यकर्ता को खिलाते थे। लेकिन इन्होंने आज तक इतने 10-15 साल से काम कर रहे, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता होने के बाद इन्होंने पेट्रोल पंप लेना, ये करना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यालय या कुछ या किसी कार्यकर्ता को आगे नहीं आने दिया। अब इनको ये सोचना चाहिए था कि जब हमने टिकट मिलते ही हमने इनका अभिनंदन किया, उनको आके मिलना चाहिए। आज इतने उनसे उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं और यहाँ सीनियर है, भारतीय जनता पार्टी का संस्थापक है। उसके बाद भी वो हरेन पाटिल के कहने पर चलकर उन्होंने जो अपमान किया है, अब उसका अपमान लेगा, क्योंकि ये भी मैं मुँह रखता हूँ, अब मुँह झुकेगी नहीं, ये राजपूतों की मुँह है। अब राजन तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूँ, तमाशा देख। आपको अगर शीर्ष नेता आपसे आके आपको समझाए तो समझाए कि राजन नाइक जो दिया गया वो सही है, तो उस पे आपका क्या प्रतिक्रिया? राजन नाइक का टिकट कैंसिल करो, भरत राजपूत को टिकट दे दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को जिता के दूंगा। और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं, वही जीतने के बाद महानगर पालिका पे कब्जा करके दिखाएंगे। अगर आज भी अगर ये न्यूज देख के भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के लोग अगर चाहते हैं कि यहाँ पर ठाकुर घराने को मात देनी है, तो उम्मीदवार बदली कीजिए, राजन नाइक उन्हीं का पिट्ठू है, वो जैसा करेंगे वैसा होगा। अगर उसमें दम होती तो पहले क्यों नहीं जीते? 2015 का आपको बताता हूँ, महानगर पालिका के चुनाव थे, उसके अंदर राजन नाइक ने अपनी 4 सीट का समझौता किया और बाकी शिवसेना और भाजपा का समझौता था। जहाँ भाजपा के नगर सेवक खड़े थे, फिर भी शिवसेना का उम्मीदवार वहां खड़ा कराया हराने के लिए, और खुद के 4 इनके साथ फिट किए, एक राजन नाइक खुद, उनका ड्राइवर, उनकी बहन और मनोज पाटिल, ये 4 जीत गएंगे। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था तुम धोखा कर रहे हो तो सामने वाले को दिखता है, नहीं जीते, हार गए, तो एक भी जीत के नहीं आया। अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के लोग, पूरे राष्ट्रीय लेवल के लोग अगर ये सोचते हो कि एक RSS वाला, एक संघ का स्वयं सेवक,